In this video, we will study OSI model. OSI, that is Open System Interconnection Model. It is a reference model that allows communication between all types of computer system. OSI model की वजह से ही दो systems आपस में communicate कर सकते हैं. Otherwise, it would be very complex or next to impossible to communicate without following the protocols. So, before understanding the OSI model, let me take a real life or a daily life example. OSI model हमारा layers पर based है. तो जो layers का concept है, वो हम अपनी daily life में देख सकते हैं. For that, let me take an example of the postal mail. There are two friends. Those who want to communicate each other through posting a letter. दोनों आपस में communicate करेंगे letters के through, आपस में communicate करना चाहते हैं. तो उसका मैं एक example लेती हूँ. This is the diagram for that. Tasks involved in sending a letter. Letter को send करने में क्या क्या task और steps होंगे. यहाँ पर layers में मैंने show करा है. Layers में इसलिए show करा है because in OSI also model we will study. It is based on the layers concept. ये higher layer, middle layer, lower layer. Okay. Now sender, suppose मुझे आपको एक mail send करना है, normally postal mail send करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? The I will write the letter, put in an envelope and dropped in a mail box. मैं एक letter लिखूंगी आपको, envelope में उसको डालूंगी और उसमें address mention करूंगी, आपका address और अपना address, और फिर उसको mail box में drop कर दूंगी. ठीक है, तो this is the layer one. Next layer पर क्या होगा? अब letter हमारा कहाँ है? Mail box में है. तो द लेटर इज कैरीड फ्रॉम द मेल बॉक्स टू अ पोस्ट ऑफिस. अब वो जो मेल बॉक्स में लेटर था वो कैरियर पिक करेगा और उसको डिलीवर कर देगा पोस्ट ऑफिस में. ठीक है, द लेटर इज बीइंग पोस्टेड, सॉरी डिलीवर्ड टू द पोस्ट ऑफिस. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो लेटर पोस्ट ऑफिस में डिलीवर हुआ है वो सॉर्ट किया जाएगा. सॉर्टिंग दैट इज the sorting will be done at the post office. That is कि वो देखेंगे कि कहाँ पर किस city में ये letter जाना है, किस location पर जाना है. That will be sorted and according to that it will be sent. तो वो letter और वो जो parcel है, the carrier transports the letter. वो transport कर देंगे. The parcel is carried from the source to the destination. Source से destination को travel करेगा. अब वो किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, वेदर इट इज ट्रक, बस, एरोप्लेन, ट्रेन, बोट एटसेट्रा. वो किसी भी मीडियम के थ्रू आपका लेटर वो ट्रैवल करेगा. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल ये आपको अहमदाबाद भेजना है लेटर. अब ये अहमदाबाद, दिस इज दिल्ली, दिल्ली टू अहमदाबाद लेटर पोस्ट करा आपने. अहमदाबाद में वो लेटर जब ट्रैवल करके जाएगा, द लेटर इज डिलीवर्ड फ्रॉम द कैरियर टू द पोस्ट ऑफिस. लेटर क्या होगा? वो कैरियर वाला किसको दे देगा? पोस्ट ऑफिस में दे देगा. देन नेक्स्ट स्टेप, द लेटर इज कैरीड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू द मेल बॉक्स. पोस्ट ऑफिस में दे दिया, देन पोस्ट ऑफिस में क्या होगा? अगेन सॉर्टिंग होगी. द लेटर विल बी सॉर्टेड कि ये अहमदाबाद में किस एरिया में किस लोकेशन पर जाना है, उस वहां पर उस लोकेशन पर उस रेसिपिएंट के मेल बॉक्स में वो लेटर पोस्ट कर देंगे. देन द फाइनल लेयर, दैट इज द लेटर इज पिक्ड अप, रिमूव फ्रॉम द एनवेलप एंड रेड. जो रिसीवर है वो लेटर को मेल बॉक्स से लेगा, उसको एनवेलप से निकालेगा और उस लेटर को रीड करेगा. सो दीज आर द टास्क इन्वॉल्व इन सेंडिंग अ लेटर. सेंडर ने लेटर लिखा, एनवलप में वो करा, मेल बॉक्स में डाला, मेल बॉक्स से पोस्ट ऑफिस में गया, पोस्ट ऑफिस में सॉर्टिंग की गई कि वो कहाँ जाना है, फिर वो कैरियर वाले को दे दिया. ठीक है, टू टेक दैट लेटर. द लेटर विल बी कैरीड
फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, वहां के पोस्ट ऑफिस में पहुंचेगा, पोस्ट ऑफिस में अगेन सॉर्टिंग की जाएगी कि वेयर इट हैज टू रीच, उस रेसिपियंट के मेल बॉक्स में पहुंचा देंगे, मेल बॉक्स से रिसीवर रिसीव करेगा और एनवलप हटाकर उसको रीड करेगा. सो दीज आर द हायर लेयर्स, मिडिल लेयर एंड द लोअर लेयर्स. तो यहां पर रैपिंग हुई लेटर की और यहां पर वो अनरैप हो गया स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर इट इज अनरैप. सो दिस इज द प्रोसेस. नाउ इमेजिन कि अगर हमें पोस्ट ऑफिस से ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कम्युनिकेट करना. मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हूँ तो मैं आपको कैसे करूँगी अगर ये पोस्टल ऑफिस जो है ये अगर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा तो मैं आपको लेटर कैसे सेंड करूँगी. इट वुड बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. सो इन द सेम वे द OSI मॉडल वर्क्स. दो कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ सर्विसेज, कुछ रूल्स और प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. और उस प्रोटोकॉल्स के बिना या उस मॉडल के बिना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द टू सिस्टम्स टू कम्युनिकेट बिटवीन विद ईच अदर. सो नाउ वी कम टू आवर OSI मॉडल. OSI दैट इज ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल एक स्टैंडर्ड मॉडल है फॉर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो कि विच वॉज डेवलप्ड बाय ISO. ठीक है, OSI मॉडल को ISO ने डेवलप करा था. ISO इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. दिस मॉडल दैट इज द ISO मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970. OSI मॉडल 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ था. OSI क्या है? OSI एक मॉडल है और ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, ISO इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इंट्रोड्यूस्ड दिस OSI मॉडल. ओपन सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स का सेट है दैट अलाउज एनी टू डिफरेंट systems to communicate regardless of their underlying architecture, regardless of their underlying architecture. इसका मतलब क्या है कि OSI मॉडल प्रोटोकॉल्स का सेट है जो कि अलाउ करेगा किसी भी दो सिस्टम्स को कम्युनिकेट करने में, और उन दो सिस्टम्स का अंडरलाइन आर्किटेक्चर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कंप्यूटर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ डेटा कम्युनिकेट कर रही हूँ इंटरनेट के थ्रू, वीडियो कॉल कर रही हूँ या ऑडियो कॉल कर रही हूँ या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल सेंड कर रही हूँ, तो मेरे कंप्यूटर पर विंडोज इंस्टॉल्ड है, आपके कंप्यूटर पर मैक OS इंस्टॉल्ड है, तो अलग अलग आर्किटेक्चर है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो अगर हम चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाए, कंपैटिबल हो, तो उसके लिए हमें OSI मॉडल को यूज करना पड़ेगा, मतलब सिस्टम्स को यूज करना पड़ेगा और वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा. अगर डिफरेंट आर्किटेक्चर के सिस्टम्स हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग द सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स. जो हमारे दो सिस्टम्स होते हैं वो आपस में इनकम्पैटिबल होते हैं, तो इनकम्पैटिबल को कम्पैटिबल इंटरऑपरेबल बनाता है OSI मॉडल. हमें अपने जो सिस्टम्स हैं उनका हार्डवेयर या और सॉफ्टवेयर का जो लॉजिक होता है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. मेरे सिस्टम का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग है, आपके सिस्टम के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग है, तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आई नीड नॉट टू चेंज दैट लॉजिक. मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज देयर इज अ मॉडल दैट इज अ OSI मॉडल विच विल हेल्प मी टू कम्युनिकेट विद यू और माई सिस्टम विद योर सिस्टम. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द OSI मॉडल. नेक्स्ट थिंग, OSI मॉडल इज नॉट अ प्रोटोकॉल.
ओएसआई मॉडल कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इट इज अ मॉडल। ये एक मॉडल है, प्रोटोकॉल नहीं है। हाँ, ये मॉडल कई सारे प्रोटोकॉल्स को यूज करेगा, फॉलो करेगा अपने इसके हर लेयर में अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी मदद से हम कम्युनिकेट करेंगे। आई मीन सिस्टम एक दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा, बट ये ओएसआई मॉडल खुद में एक कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इट इज अ मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग अ नेटवर्क आर्किटेक्चर। नाउ लेट अस सी द ओएसआई मॉडल डायग्राम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ इट वर्क्स। इसमें कई सारी लेयर्स हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि ओएसआई मॉडल की वर्किंग क्या है। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ आर ओएसआई मॉडल। लेट अस सी दिस। ये मॉडल जो है ये सेवन लेयर्स से बना हुआ है, सेवन ऑर्डर्ड लेयर्स हैं। दैट इज लेयर वन, दैट इज अ फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। द ऑर्डर इज लाइक दिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। There are seven layers in this OSI model. The first layer is the physical layer, second is the data link layer, third network, fourth transport, fifth session, sixth presentation, and the seventh layer or the last layer is the application layers. जो हमारी ये तीन layers हैं नीचे की lower layers, layer 1, 2 and 3, that is the physical, data link and the network layer. ये तीन layer हमारी network support layers हैं, ठीक है? ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स हैं। दे डील विद द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, फिजिकल कनेक्शंस, फिजिकल एड्रेसिंग, बाइनरी डेटा, राउटिंग ऑफ डेटा एट्सेट्रा। जो ये तीनों लेयर्स हैं हमारी, ये डील करेंगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से, फिजिकल कनेक्शंस, ये फिजिकल कनेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है? एड्रेसिंग, डेटा हमारा कहाँ पर जाना है, किस एड्रेस पर जाना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर। सो देयर आर दीज लेयर्स डील्स विद द बाइनरी डेटा, कनेक्शंस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एड्रेसिंग एटसेट्रा। राउटिंग ऑफ डेटा, राउटिंग ऑफ डेटा मीन्स टेलिंग द रूट थ्रू विच द डेटा पैकेट्स हैज टू ट्रेवल द नेटवर्क। नाउ लोअर लेयर्स, जो ये हमारी लोअर लेयर्स हैं तीनों, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? कॉम्बिनेशन है। हाँ, लेकिन जो ये फिजिकल लेयर है, एक्सेप्ट द फिजिकल लेयर विच इज मोस्टली हार्डवेयर, जो लास्ट लेयर है हमारी, सॉरी द फर्स्ट लेयर, ये हमारी मोस्टली हार्डवेयर से बनी हुई होती है। बाकी अदरवाइज दीज थ्री लेयर्स, दैट इज द लोअर लेयर्स, फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है? नेक्स्ट कम्स द अपर थ्री लेयर्स, अपर लेयर्स, लेयर फाइव, लेयर सिक्स, लेयर सेवन, दैट इज द सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। दीज लेयर्स आर नोन एज द यूजर सपोर्ट लेयर्स। इनको हम यूजर सपोर्ट लेयर्स भी कहते हैं, क्योंकि जब यूजर मैसेज सेंड करता है, सपोज आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज, तो आई विल फर्स्ट इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन लेयर, मेरा मैसेज इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन लेयर से। तो जो ये अपर लेयर्स हैं तीन, इनको हम कहते हैं अपर, दैट इज अ यूजर सपोर्ट लेयर्स। दीज लेयर्स आर इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर। जो ये हमारी अपर लेयर्स हैं, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ये तीनों सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है? बॉटम लेयर्स, दैट इज द लोअर लेयर्स, आर इम्प्लीमेंटेड इन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, बट द अपर लेयर्स 5, 6, 7 आर इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर ओनली। Now these layers allow interoperability among unrelated software systems. Obviously ये device A है, ये device B है, अलग अलग softwares होते हैं, unrelated software systems होते हैं, तो उनको interoperable बनाने में help करती है। So these layers allow interoperability among the software systems. Next layer is the transport layer. ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? ये जो दो सब ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप वन हो गया, ये ग्रुप टू हो गया, ये दोनों ग्रुप्स को लिंक करे, ठीक है?
और जो ये दोनों सब ग्रुप्स हैं इनको लिंक करेगी और ये इंश्योर करेगी कि जो भी इस लेयर ने ट्रांसमिट करा है वो उस फॉर्म में है जो कि दूसरा सब ग्रुप समझ पाए। ठीक है, ये लेयर्स जो भी डेटा को कन्वर्ट करके देंगी ट्रांसपोर्ट लेयर को, ये चेक करेगा कि इट इज इन दैट फॉर्म विच द अदर ग्रुप कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना होगा डेटा को, तो वो उस फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि इसको समझ में आए। तो इट विल चेक दैट, तो इट इज अ लिंक बिटवीन द टू सब ग्रुप्स। नेक्स्ट इज, जब हमारा डेटा जो है डिवाइस ए से डिवाइस बी पर जाता है, होस्ट ए होस्ट बी, इट कैन बी टू कंप्यूटर्स, दो अलग अलग कंप्यूटर्स हो सकते हैं, दो अलग अलग सर्वर्स हो सकते हैं, या कंप्यूटर सर्वर हो सकता है। तो जब हमारा होस्ट ए से होस्ट बी पर मैसेज हमारा ट्रैवल करता है तो वो कई सारे इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू ट्रैवल करता है, बीच में इंटरमीडिएट नोड्स होंगे हमारे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट नोड्स हमारे राउटर्स हो सकते हैं। तो जो इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं लाइक द राउटर्स, वो इन्वॉल्व करते हैं दीज थ्री लेयर्स, द फर्स्ट थ्री लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल, दैट इज अ फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर। मीन्स जो हमारे ये राउटर्स हैं, राउटर्स में ये थ्री लेयर्स होती हैं, इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको अलग से बॉक्स में दिखाया है दैट दीज थ्री लेयर्स दैट इज द नेटवर्क लेयर्स इन्वॉल्व द राउटर्स और द डिवाइसेस, इंटरमीडिएट नोड्स थ्रू विच आर डेटा ट्रैवल। नाउ फिजिकल लेयर पर क्या हो रहा है, फिजिकल लेयर पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज अ फिजिकल कम्युनिकेशन। हमारा जब डेटा ऊपर से आएगा दैट इज एप्लीकेशन लेयर से, ये बॉटम मतलब टॉप टू बॉटम जब आएगा फिजिकल लेयर पर, तब वो उस फॉर्मेट में होगा जब हम उसको फिजिकली ट्रांसमिट करें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। तो कम्युनिकेशन जो है वो हमारा डायरेक्ट है, और जो बिट्स की स्ट्रीम सेंड करता है थ्रू द इंटरमीडिएट नोड्स। ऑब्वियसली जब हम इंटरनेट पर डेटा सेंड करते हैं तो राउटर्स पर होता हुआ वो जाता है, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, हब्स हैं, तो फिजिकल लेयर से जब ट्रांसमिट होगी बिट्स की स्ट्रीम तो बीच में जो राउटर्स हैं, इंटरमीडिएट नोड्स हैं, उसके थ्रू ट्रैवल होता हुआ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एट लेयर वन द मैसेज, लेयर वन हमारी कौन सी है, फिजिकल में फिजिकल लेयर, तो इस पर जो हमारा मैसेज डेटा है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है जो कि इजीली हम ट्रांसमिट कर सकें दूसरी डिवाइस पर। डायरेक्टली जो मैं मैसेज टाइप करती हूँ, मैंने आपको ईमेल टाइप करा हेलो हाउ आर यू, तो वो डायरेक्टली नहीं जाता है, वो कई सारी लेयर्स में कन्वर्ट होगा, लेयर्स जो है उनको कई सारे प्रोटोकॉल्स को थ्रू उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगी, और वो फॉर्मेट इस फिजिकल लेयर पर होता है कि वो फाइनली इंटरनेट पर ट्रैवल कर सके डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। नाउ ईच लेयर इज सेंडिंग डिवाइस एट इट्स ओन इंफॉर्मेशन टू द मैसेज। ये हमारा सेंडिंग कंप्यूटर है, ठीक है, डेटा हमारा यहां से यहां पर आया, ठीक है, इसने जो भी कन्वर्जन करा वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये जब आगे पास करेगा तो अपनी कोई इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन कुछ ऐड करी फिर नेक्स्ट लेयर को पास ऑन कर देगा, वो उससे एक्सेप्ट कर कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर नेक्स्ट लेयर को ट्रांसफर कर देगा, ये एक्सेप्ट कर उसमें अपनी कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड कर नेक्स्ट लेयर को ट्रांसफर कर देगा, एंड सो ऑन। दैट इज कि हर लेयर अपनी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर देती है मैसेज के अंदर जो भी उसे ऊपर वाले लेयर से मिला है फ्रॉम द लेयर जस्ट अबव इट, एंड पासिस द होल पैकेज टू द लेयर जस्ट बिलो इट। दिस इज नोन एज रैपिंग अप ऑफ डेटा, डेटा को हम रैप करते चले जा रहे हैं, ठीक है, फिर वो फाइनली ट्रैवल होगा, और ट्रैवल होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, वो अनरैप होगा एक एक लेयर में, द मैसेज इज अनरैप्ड लेयर बाय लेयर। जैसा अभी हमने लेटर वाला एग्जाम्पल देखा था कि एनवलप में लेटर डाला, फिर मेल बॉक्स, फिर पोस्ट ऑफिस, तो उसका रिवर्स प्रोसेस, ये रैपिंग, दिस इज अनरैपिंग ऑफ द डेटा, एंड लेयर बाय लेयर होगा एट ईच लेयर। हर लेयर के अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स होंगे, वो डिवाइस ए पर भी होंगे और डिवाइस बी पर भी होंगे, इसलिए इसको कनेक्ट कराए दैट इज
शो कराए कि दोनों लेयर्स के अपने एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स होंगे, प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल्स होंगे, सेशन प्रोटोकॉल्स होंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होंगे, हियर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, डेटा लिंक प्रोटोकॉल एंड द फिजिकल प्रोटोकॉल। हियर लेयर के अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं जो हम आगे की अपनी वीडियोज में देखेंगे, सारे प्रोटोकॉल्स हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे कंप्यूटर की एप्लीकेशन लेयर भी प्रोटोकॉल्स यूज करेगी और आपके कंप्यूटर की भी, दैट इज द डिवाइस बी, भी अपनी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स यूज करेगी। कोई भी लाइक एप्लीकेशन के लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं HTTP, FTP, SMTP एक्सेट्रा एंड सो ऑन। सो दिस इज द जनरल आइडिया अबाउट द OSI मॉडल। बेसिकली OSI मॉडल की ज़रूरत क्या है, क्यों चाहिए? क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और कुछ मैंडेटरी होती हैं, कुछ ऑप्शनल होती हैं। तो जो मैंडेटरी हैं लाइक द एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग, डी मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे देखेंगे। एरर कंट्रोल मीन्स कि हमें एरर्स को कंट्रोल करना है, फ्लो को कंट्रोल करना है, ये मैंडेटरी हमारी फंक्शनैलिटीज हैं कंप्यूटर नेटवर्क की जब हमारा डेटा ट्रैवल करेगा। और कुछ ऑप्शनल हैं लाइक एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये ऑप्शनल है कि आप अपने उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं डेटा में या नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज जो है ये एक मॉडल के अंदर पुट कर दी गई हैं। दे आर पुट इन अ मॉडल दैट इज द OSI और द TCP/IP मॉडल फॉर एक्सचेंजिंग द डेटा। तो जब हम डेटा एक्सचेंज करते हैं नेट पर तो ये सारी फंक्शनैलिटीज हम यूज कर सकते हैं यूजिंग अ मॉडल दैट इज द OSI मॉडल। नाउ एक और चीज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि दो सिस्टम्स कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, विच इज वी गेट फ्रॉम द बाय यूजिंग द मॉडल दैट इज द OSI मॉडल। कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे लाइक दोनों सिस्टम्स को प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है और आपको सिर्फ तमिल आती है, ठीक है, हम कनेक्टेड हैं फोन कॉल पर लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो वी नीड इंटरमीडिएटर, हमें एक मीडिएटर या ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जो हम जो आपस जो हमें बता सके कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं और मैं आपसे क्या कह रही हूँ। तो विच कैन बी अचीव यूजिंग द OSI मॉडल, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज को तमिल में कन्वर्ट करके, दैट इज अ ट्रांसलेशन। जो हमारी ट्रांसलेशन होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर पर होती है। तो अलग अलग लेयर्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, तो ट्रांसलेशन इज बीइंग डन एट द प्रेजेंटेशन लेयर। जो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर लैंग्वेज दैट इज अ तमिल लैंग्वेज एट दिस लेयर, जो आपको समझ में आएगी। और फिर आपकी जो तमिल भाषा है वो कन्वर्ट करेगा, अगर आप मुझे डेटा भेजेंगे तो आपकी जो तमिल भाषा है वो कन्वर्ट करेगा इंग्लिश में, प्रेजेंटेशन लेयर कन्वर्ट करेगी आपके कंप्यूटर की। तो दिस वे द टू सिस्टम्स कैन कम्युनिकेट। और ये ट्रांसलेशन किसके थ्रू होगा, जब हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, OSI मॉडल यूज करेंगे। तो इसी तरीके से मेरा हो सकता है कि कंप्यूटर पर SCII कोड में डेटा हो और आपका कंप्यूटर समझता है EBCDIC कोड, तो वो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी प्रेजेंटेशन लेयर। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है। तो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में इस तरीके से कंपैटिबिलिटी होती है सो दैट द टू सिस्टम्स कैन कम्युनिकेट। नाउ इन फर्दर वीडियोज वी विल डिस्कस ईच लेयर वन बाय वन, एक एक करके हम सारी लेयर्स को डिस्कस करेंगे, फिजिकल लेयर, देन द डेटा लिंक, देन नेटवर्क, सारी लेयर्स को डिस्कस करेंगे कि किस लेयर का क्या काम है डिटेल में। अभी तो मैंने ये सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दिया है OSI मॉडल का।